Assalamu alaikum and good morning, grade 6. I hope you people are doing good and trying to complete your work that teachers are sending you on daily basis. So here our English class is going to be started, and today we have to go for the lectures of 26, 21st and 22nd, Monday and Tuesday. So without any delay, we will start our chapters of Merchant of Venice. Previously आप पढ़ चुके हो कि एनाटोनियो जो है वो किस तरह से शाइलॉक से 3000 ड्यूकेट्स जो हैं वो बोरो करने की कोशिश करता है और वो क्या कंडीशन जो है वो रखता है. तो हम स्टार्ट करते हैं फ्रॉम चैप्टर नंबर 7. इट इज अ लेटर. Lorenzo was already planning how he would help Jessica escape from her father's house. Lorenzo जो है वो पहले ही planning कर रहा होता है कि वो किस तरह Jessica की मदद कर सकता है अपने father के घर से भागने में. He and his friends met on a busy street not far from where he लेफ्ट. अब वो और उसके जो दोस्त हैं वो उस बिजी स्ट्रीट में मसरूफ जो गली होती है उसमें मिलते हैं जो कि वो वहां से ज्यादा दूर नहीं होता है. ओके जी. वी कैन डिस्गाइज आवरसेल्व्स विद मास्क ड्यूरिंग डिनर टुनाइट. आज जब हम डिनर करेंगे तो हम अपने जो फेस है वो मास्क के साथ छुपा सकते हैं. डिस्गाइज का मतलब होता है छुपा लेना. स्लिप अवे एंड गेट बैक विद एन आर इजीली. और फिर हम वहां से खिसक जाएंगे. स्लिप का मतलब होता है वहां से खिसक जाना. और फिर हम वहां से खिसक जाएंगे एक घंटे के लिए. ही सेड, उसने बोला. वी नीड टू प्लान मोर, सेड ग्रेशानियो, सलेरियो एंड सलेनियो. नोटेड. वी हैव गॉट टू हैव समवन टू कैरी अ टॉर्च. Well, replied Lorenzo, we have still got time to get everything done. अब वो प्लानिंग ही कर रहे होते हैं कि हम कितने लोग जाएंगे और हमें एक आदमी चाहिए जो कि हमारी टॉर्च को पकड़ सके. एंड देन लोरेंजो जो है वो उनको रिप्लाई करता है कि वी विल स्टिल गॉट टाइम, वी हैव स्टिल गॉट टाइम टू गेट एवरीथिंग डन, कि हमारे पास काफी टाइम है अपने काम को सर अंजाम देने के लिए. जस्ट देन Launcelot came running up and handed him a letter. उसी दौरान में जो है Launcelot आता है जो कि Shylock का मुलाजिम था और अब नहीं है. वो आता है और जो खत है वो उसको पकड़ा देता है. आई नो दिस राइटिंग, whispered Lorenzo. Lorenzo whisper करते कहते मुझे पता है ये किसकी राइटिंग है. द हैंड विच रोट इट इज विदर देन द पेपर इट इज रिटन on, sorry, whiter than the paper is written on. और ये हाथ उस पेपर से कहीं ज्यादा सफेद है जिस पर ये लिखा हुआ है, ये नोट लिखा हुआ है. He walked away to read it by himself. वो वहां से चला जाता है उस लेटर को खुद पढ़ने के लिए. It must be love news, grinned Grishanio. The others लाफ्ट. और उसको बोलता है कि ये डेफिनेटली ग्रिंट का मतलब होता है हंसी हंसना, कहका लगा के कहता है कि ये एक लव न्यूज होगी. आई नो दैट. और उसकी ये बात सुनकर बाकी भी जो है वो हंस पड़ते हैं. लोरेंजो केम बैक ब्लशिंग. ही गेव Launcelot सम मनी एंड आस्ड हिम वेयर आर यू गोइंग नाउ. वापस आता है और बड़ा ब्लश कर रहा होता है खुशी के साथ और Launcelot को कुछ पैसे देता है और पूछता है कि तुम अब कहाँ जा रहे हो. टू आस्क माई ओल्ड मास्टर द ज्यू टू कम टू माई न्यू मास्टर द क्रिश्चियंस हाउस फॉर डिनर टू नाइट, Launcelot रिप्लाइड. Launcelot उसको जवाब देता है कि मैं अपने पुराने मास्टर के घर जा रहा हूँ उसको दावत देने के लिए, डिनर की दावत देने के लिए. टेल जेसिका टू ट्रस्ट मी बट टेल हर व्हेन नो वन अराउंड, नो वन इज अराउंड, सेड लोरेंजो. Launcelot बोर्ड एंड रैन ऑफ टूवर्ड्स Shylock's हाउस. वी हैव गॉट आर टॉर्च कैरियर. लोरेंजो स्माइल्ड. कम ऑन Grishanio, ही सेड. Let's go to your house. The two of them said goodbye to the others, telling them to make the final preparations for the plan rescue Jessica that evening. और वो पूरा प्लान जो है सारे फ्रेंड्स मिलके बना लेते हैं कि उन्हें उस शाम में
क्या करना है, यानी उनको वहां से भागने के लिए कैसे मदद करनी है। और मॉकिंग वे में कहते हैं कि हमें अपना टॉर्च उठाने वाला भी जो है मिल गया है, यानी लॉन्सलॉट को वो अपने प्लान में शामिल करना चाह रहे हैं। वॉज अ लेटर फ्रॉम जासिका, आस्क क्रिशानियो स्माइलिंग नोइंगली लोरेंजो ब्लास्ट अगेन। आई विल टेल यू एवरीथिंग क्रिशानियो, ही सेड शी विल बी वेटिंग फॉर अस टू नाइट डिस्गाइज्ड एज अ सर्वेंट विद एज मच गोल्ड एंड ज्यूल्स एज शी कैन स्टील फ्रॉम हर क्रूअल फादर। ही ग्रैब क्रिशानियोज आर्म टाइटली स्माइलिंग, आई टेल यू माई फ्रेंड, इफ दैट ओल्ड ज्यू ever gets into heaven, it will be because of his saintly daughter. He passed her letter to Krishanyu. Read this as you walk. उसे पूछता है कि ये उसकी बेटी का ही लेटर है, जैसिका का लेटर है, तो वो उसको बताता है और उसके बारे में बात करता है कि वो आज एक मुलाजिम का भेस बदल कर आएगी और अपने वालिद का गोल्ड और ज्यूल और जितने भी पैसे वो चोरी कर सकते हैं वो लेकर आ जाएगी। एंड देन ही एड्स अप कि अगर ये इंसान जन्नत में दाखिल होगा ना, तो अपनी सिर्फ इस बेटी की वजह से दाखिल होगा, अदरवाइज इसमें कोई ऐसी बात नहीं है, कोई ऐसी अच्छाई नहीं है कि वो जन्नत में दाखिल हो सके। और वो जो लेटर है वो क्रिशानियों को देता है कि वो इस लेटर को खुद पढ़ ले। देन ही वॉक्ड क्विकली ऑफ टूवर्ड्स क्रिशानियोज हाउस वाइल हिज फ्रेंड फॉलोड स्लोली बिहाइंड बम्पिंग इन टू पीपल ऑन द पेवमेंट एज ही रीड जेसिका'स लेटर। अब वो दोनों उसी तरफ जा रहे होते हैं और रास्ते में वो अपना खत पढ़ने में मसरूफ होता है, पेवमेंट होता है, फुटपाथ आप उसको कह सकते हो, कि उसके ऊपर चलते हुए वो लेटर पढ़ रहा होता है और वो चलते चलते ऑब्वियसली उसकी नज़रें जो हैं वो लेटर पर होती हैं, तो वो लोगों के अंदर टकराता हुआ जाता है। बम्पिंग का मतलब होता है जब आप मार्केट में चल रहे होते हो, सड़क पर चल रहे होते हो, तो कभी आपका कंधा किसी के साथ टकराता है रश में और कभी किसी के साथ टकराता है, इसको बम्पिंग बोलते हैं। Now we will start the chapter number 8, A Dream of Foreboding. Foreboding का मतलब होता है किसी बुरी चीज की पेशगोई आपके दिमाग में आना, या किसी चीज के बारे में बुरा या नेगेटिव सोचना। अब लेट्स सी कि इस चैप्टर में क्या है। Longstreet gave the message to Shylock. You wait and see, said the Jew grumpily. Grumpy का मतलब बड़ा गुस्से से। उसने बोला हाँ तुम रुको और जरा देखो क्या होता है। After a while, you will be begging to come back here. कहते हैं कुछ अरसे के बाद तुम ना मुझसे मिनते कर रहे होगे यहाँ वापस आने के लिए। At that Christian's house, you won't be able to eat and sleep and laze around like you used to here. Jessica, he called. You wait and see. Where is the girl? He mumbled to himself. Jessica, where are you? Jessica बुला रहा होता है, उससे बात करना चाह रहा होता है और उसको आवाज़ देता है। Jessica, where are you? Shouted Lancelot. अब उसको जो है Lancelot भी जो है वो भी shout करता है और Jessica को बुलाता है। Who asked you to call her? Cried Shylock angrily. अब Shylock जो है वो गुस्से से उसे कहते हैं तुम्हें किसने कहा कि तुम Jessica को बुलाओ? What do you want? Asked Jessica suddenly, coming into the room. गुस्से से आके पूछती है कि क्या चाहिए तुम्हें? I am going out to dinner, daughter. He said, कहते कि मैं आज जो है वो एक डिनर के लिए बाहर जा रहा हूँ. Then he stopped and said out loud, but why am I going? They haven't invited me out of love. But then he said, I'll go out of hate. कहते हैं पहले कहते हैं कि मैं क्यों जाऊँगा, उन्होंने कौन सा मुझे मोहब्बत से बुलाया, फिर कहते नहीं मैं जाऊँगा, I'll go out of hate, इसी नफरत के साथ जाऊँगा। The Christians paying for the food after all. He stopped with his hand on the door knob. Still, I'm not sure if I should go. कहते हैं अभी भी उसने वो पकड़ा होता है डोर का जो नॉब होता है, हैंडल जो होता है उसको पकड़ा हुआ होता है और कहते हैं कि मैं अभी भी श्योर नहीं हूँ कि मुझे जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। आई हैव अ बैड फीलिंग अबाउट दिस, मुझे आज बड़ी बैड फीलिंग्स आ रही है। वही फॉरबिडिंग जो मैंने आपको यहाँ बताया है कि वो कह रहे हैं कि मुझे आज बड़ी ही बैड सी फीलिंग्स आ रही हैं, यानी मैं कंफर्टेबल फील नहीं कर रहा हूँ। लास्ट नाइट आई ड्रीम्ड ऑफ मनी बैग्स, मुझे पैसों के बैग जो हैं वो नजर आए हैं। लास्ट नाइट उसको ख्वाब में पैसों के बैग जो हैं वो नजर आए हैं और वो ये समझ रहा है कि ये
एक अच्छा शगुन नहीं है, वो ये सोच रहा है। ओ प्लीज गो गो क्राइड लॉन्सलॉट, माय मास्टर हैज ऑर्गेनाइज्ड अ प्ले फॉर यू टू वॉच। कहते हैं कि आपको प्लीज जाना चाहिए क्योंकि मेरे जो मालिक हैं उन्होंने आपके लिए एक प्ले भी ऑर्गेनाइज किया है वॉच करने के लिए। अ प्ले, सेड शाइलॉक इन अ वरिड वॉइस, ही टर्न्ड क्विकली टू जेसिका, डॉटर लॉक ऑल द डोर्स एंड विंडोज, आई वोंट हैव यू लुकिंग आउट ऑन एनी पेंटेड एक्टर्स और hearing any horrible music. This is a good house. I won't have any dirty music coming in here. He turned the door knob again. अब बेटी को नसीहत करता है कि सब खिड़कियां और दरवाजे बंद कर लो, मैं नहीं चाहता कि बाहर से किसी भी एक्टर की एक्टिंग करने की आवाज़ या कोई भी जो म्यूजिक है वो हमारे घर तक पहुँचे। हमारा घर एक सेफ प्लेस है, एक अच्छी जगह है, इसलिए मैं नहीं चाहता कि ऐसी कोई भी चीज़ जो है वो हमारे घर में दाखिल हो। आई डोंट फील लाइक ईटिंग देयर एट ऑल टू नाइट, ही सेड, बट आई विल गो ऑल द सेम। ही टर्न टू लॉन्सलॉट, गो अहेड ऑफ मी एंड टेल देम आई एम कमिंग। फिर उसको कहता है कि अच्छा तुम जाओ और उन्हें जाके बताओ कि मैं आज आऊंगा। यस सर, सेड लॉन्सलॉट वॉकिंग टू द डोर, एज ही पास्ड जेसिका, Quick as a flash, he whispered in her ear, "Look out your window tonight." सिर्फ उसके कान के पास से गुजरते हुए तेजी से उसको ये कहता है कि अपनी विंडो से बाहर आज रात को देखना। A Christian will come by who will be worth looking at. With a wink, he ran out of the door and headed as fast as he could for Bassanio's house. उसको जाते हुए सारी स्टोरी बताया जाता है कि क्रिश्चियन जो है वो तुम्हें देखने के लिए यहाँ पे आएगा, और विद द विंक आंख मारते हुए उससे जाता है। विंक का मतलब होता है आंख मारना, एक आंख को बंद करके, शरारत से जो एक आंख को बंद किया जाता है उसको बोलते हैं विंक करना, आंख मारना। व्हाट डिड दैट फूल से, आस्क शाइलॉक सस्पिशियसली। अब बड़ा वो डाउटफुल हो जाता है शाइलॉक। सस्पिशियसली का मतलब होता है बड़े इनहमाक से, बड़े तशद्दुद से वो अपनी बेटी से पूछता है कि ये बेवकूफ, इस बेवकूफ ने तुमसे क्या कहा है। Just goodbye, lady. That's all, said Jessica, looking him straight in the face. उसकी फेस की तरफ देखते हुए कहती है कुछ भी नहीं, बस उसने मुझे जाते हुए गुड बाय बोला है। He is not a bad fellow, said Sherlock, but he eats too much and he's lazy too. Well, he can eat away all the Christian's money now. He came close to his daughter. Do as I told you. Lock up the windows and doors. I'll come back soon, Jessica. He walked to the door. Lock up after me, he ordered and was gone. और बार बार उसको ये नसीहत कर रहा होता है। पहले तो उसको ये कहता है कि लॉन्सलॉट जो है वो बुरा आदमी नहीं है, सिर्फ खाता बहुत ज़्यादा है जिसकी वजह से वो लेजी भी है। तो अब वो ये कह रहा है कि अब वो क्रिश्चियंस की भी सारी मनी जो है वो खा के वापस आ जाएगा। अपनी बेटी के करीब आता है, उसको फिर वही नसीहत करता है कि तुम वैसा ही करो जैसा मैं तुम्हें बोल रहा हूँ, सारे जो रूम्स हैं विंडोज हैं उनको लॉक कर लो, सारे घर को इवन लॉक कर लो। इतना उसको ऑर्डर करता है और फिर चला जाता है। जेसिका शट द डोर एंड लॉक्ड इट, देन लीनिंग अगेंस्ट इट शी व्हिस्पर्ड गुडबाय, इफ फॉर्च्यून इज ऑन माय साइड यू हैव लॉस्ट अ डॉटर। कहती है कि उसको व्हिस्पर करती है, गुडबाय बोलती है और व्हिस्पर करती है कि अगर किस्मत ने मेरा साथ दिया तो तुम आज अपनी बेटी को खो दोगे। And I, a father, she smiled and went back upstairs to her room. सीढ़ियों से ऊपर जाती है, upstairs का मतलब होता है सीढ़ियाँ, सीढ़ियों से ऊपर जाती है और अपने upstairs to her room और अपने room में दाखिल हो जाती है। So this is all for today. Grade 6, आप इन दोनों chapters को, चैप्टर नंबर 7 आज की स्टोरी है आपकी, चैप्टर नंबर 8 कल की है, बट आई हैव डिलीवर्ड बोथ द चैप्टर्स टुडे सो दैट यू कुड अंडरस्टैंड बोथ द चैप्टर्स एट वंस इजीली। ठीक है, इफ यू स्टिल फाइंड एनी प्रॉब्लम डू लेट मी नो, आई विल एक्सप्लेन यू अगेन इफ यू फाइंड एनी प्रॉब्लम्स टू अंडरस्टैंड दीज चैप्टर्स। ठीक है, टेक केयर, हैव अ गुड डे, अल्लाह हाफिज़।